हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत लोगों का कमेंट्स आया था कि मैम आप बालों से डैंड्रफ हटाने के उपाय बताइएगा, और मैंने लॉन्ग हेयर के लिए तो आप लोगों के कमेंट्स बता दिए हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। अच्छा लगता है आप लोग कमेंट्स करते हो कि कोई चीज़ के लिए आपको ज़रूरत है, तो आप लोग कहिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, तब मैं आपके लिए नेक्स्ट भी वीडियो बनाऊँ। तो ये किसी का कमेंट्स था कि मैम आप डैंड्रफ के लिए बताइएगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डैंड्रफ को हटाने के लिए हम नींबू का रस, जो रूसी की समस्या को दूर करने के लिए नींबू के रस का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद होता है, और जो टी ट्री ऑयल एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल गुण होते हैं इसमें, और जो आपका दही, दही से भी आपका डैंड्रफ हटता है कि बालों में दही डाल लगा के थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए लगा रखने दीजिए, फिर उसे साफ पानी से आप अपने बालों को धो सकते हो और आपकी डैंड्रफ दूर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा होगा नीम और तुलसी का पानी। तो नीम और तुलसी का पानी में बालों पर लगाने से आपकी डैंड्रफ दूर होती है, तो और मुल्तानी मिट्टी से आपकी डैंड्रफ भी दूर होती है। मुल्तानी मिट्टी बालों में लगा लीजिएगा, उससे डैंड्रफ दूर हो जाती है। ओके, तो इसे हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरीके से डेंड्रिप दूर होगी। तो आप नींबू का रस, आप लोगों को पता ही है कि ये काफ़ी फायदेमंद होता है, खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और आपके बालों के लिए भी फायदे, क्योंकि इसमें विटामिन सी पाई जाती है। तो नींबू के रस रूसी की समस्या को दूर करने के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, लेकिन आपको इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए, वरना आपके बाल रूखे हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल कर लोगे तो रूखे हो जाएंगे। तो सरसों के तेल में या फिर कोकोनट ऑयल में, ध्यान देने योग्य बात है ये, सरसों के तेल में या कोकोनट ऑयल में नींबू को अच्छी तरह से निचोड़ लें। तो इस तेल से स्कैल्प में हल्की सी मसाज करें, हल्की, ज़्यादा तेज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बाल टूटने लगेंगे, तो हल्की सी मसाज करेंगे और कुछ देर के लिए से यूँ छोड़ देंगे। इसके बाद बालों को अच्छी तरह से धो लें, सप्ताह में 2 बार यह उपाय करके देखिएगा, आपको निश्चित ही रूप से फ़ायदा होगा। अब नेक्स्ट मैंने बताया था आपको टी ट्री ऑयल, तो टी ट्री ऑयल होता क्या है पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें कौन से कितनी चीज होती हैं। तो टी ट्री ऑयल में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं, ऐसे में रूसी की समस्या दूर करने का ये एक बहुत ही कारगर उपाय है। अपने शैम्पू में इसकी कुछ बूंदें मिलाकर सिर धो लें, 4 से 5 बार के इस्तेमाल से ही रूसी की समस्या दूर हो जाएगी। तो नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था दही, दही आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, इसमें भी विटामिन सी पाया जाता है और ये खाने के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है, पर लेकिन इसे मॉर्निंग में ही हम लोग इसे यूज करते हैं खाने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में, इवनिंग में नहीं करते, सर्दी जुकाम का डर रहता है, तो ये बालों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद रहता है और क्योंकि इससे रूसी हटती है। तो चलो इसे देखते हैं, रूसी की समस्या में दही का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद होता है, इसे रूसी की समस्या को दूर करने के साथ ही बालों को पोषित करने का भी काम करता है। 1 कप दही में 1 चम्मच बेकिंग सोडा मिला लें, 1 कप दही में बेकिंग सोडा मिला लें, इससे पैक को स्कैल्प में लगाइए, कुछ ही दिनों में आपको फर्क नजर आने लगेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये था कि मतलब टिप्स था नीम और तुलसी का पानी। नीम और तुलसी की कुछ पत्तियों में पानी में डालकर अच्छी तरह उबाल लीजिएगा। नीम और तुलसी की पानी, वो तुलसी का पानी आप लोगों को पत्ती लेनी है और पानी में उबाल लेनी है। जब बर्तन का पानी आधा रह जाए तो उसे छान लें और ठंडा होने के लिए रख दें। इस पानी में बालों को धोएं, कुछ बार के इस्तेमाल से रूसी की समस्या दूर हो जाती है। नेक्स्ट हमारा था मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी का पाउडर लें, इसमें एप्पल कंडीटर विजनर मिला लें, बाद में से शैम्पू की तरह इस्तेमाल करें, सप्ताह में 2 बार ये उपाय करना फायदेमंद रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छा लगता है आप लोग कमेंट्स करते हो कि मैम ये इससे रिलेटेड वीडियो बना दीजिए, और तो हम लोग आपके लिए और नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, टेक केयर।